जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र के सदरपुर में हत्या कर शव को घर के पास फेंके जाने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि मृतक के भाई ने बताया कि वह कल शाम को टेंट का काम करने विनोद के साथ गया था और सुबह जब वापस आ रहा था किन्हीं कारणवश 8 बजे फोन किया और बोला कि मैं घर आ रहा हूँ। उसके बाद 9 बजे उसी के घर के पास अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर विनोद को रोड पर छोड़कर भाग रहा था। तभी गांव के एक व्यक्ति ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो धक्का देकर भाग गया। वही एडिशनल एसपी का कहना है कि जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए जनपद सीतापुर से अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट। विनोद, फिर क्या हुआ? फिर जब सुबह चला है ना, 8 बजे फोन किया था मेरे को, बोला कि मैं आ रहा हूँ घर पे, खाना वाना बना के रखो। फिर 8 बजे फोन किया, 9 बजे इसको यहाँ पे डाल गया, घर पे भी नहीं लाया, रोड पे डाल के लाग गया। जब इसको दूसरा आदमी पकड़ने को गया तो उसको वो धक्का देकर भाग रहा है। FIR लिखे गए? हाँ। सदरपुर में ये उदयनपुर गांव है, उदयनपुर गांव में जो है एक व्यक्ति जो टेंट हाउस में काम, एक लड़का है 16-17 साल का, वो टेंट हाउस में काम करता था और आज उसकी जो है कुछ असवाल परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई है। उसी गांव का एक व्यक्ति जो है, उसको सुनील नाम का व्यक्ति है जो साथ में ही काम करता है, उसको लेकर के उससे उसको कहीं बॉडी का डिस्पोजल करना चाहता था। गांव के लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसको सुनील को सारी बात बताई। उसका एक कथन है कि ये इसका करंट लगने से इसको चोट आई जिससे उसकी मृत्यु हो गई, उसके पैर पर भी